टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के अलमास कॉलोनी गेट के सामने विरोधी पक्ष नेता शानू पठान ने महावितरण का अंडरग्राउंड हुए केबल के 24,000 वोल्टेज के RMU का उद्घाटन किया है। आपको बता दें कि मुमरा कौसा में अब बिजली के केबलों को अंडरग्राउंड करने का काम शुरू कर दिया गया है। दरअसल 3 साल पहले महावितरण ने केबल अंडरग्राउंड करने का टेंडर 22 करोड़ का ठाणे महानगर पालिका को दिया था, यानी कि 3 साल पहले 22 करोड़ का टेंडर महावितरण यानी कि MSDCL ने ठाणे महानगर पालिका को दिया था, मगर केबल अंडरग्राउंड करने का काम अब शुरू किया गया है। अलमास कॉलोनी के गेट के पास और अंबाजी मेडिकल के पास अभी 2 RMU चालू किए गए हैं, पर अंडरग्राउंड का काम यहाँ पूरा हो गया है। जो खंभे पर तार लगे हैं वो जल्द ही निकाले जाएंगे। अभी 6 RMU लगाए गए हैं, जिसमें से 2 RMU अंबाजी मेडिकल के पास और अलमास कॉलोनी गेट के सामने। ये 2 RMU का उद्घाटन विरोधी पक्ष नेता शानू पठान ने नारियल फोड़कर किया है। जो 2 RMU का आज उद्घाटन किया गया है, उसके जरिए अलग अलग इलाकों में बिजली सप्लाई की जाएगी और बिजली के अलग अलग कटआउट भी हैं। पूरे इलाके में बिजली काटने की ज़रूरत नहीं है, जिस इलाके में बिजली काटने की ज़रूरत पड़ेगी उस इलाके की ही बिजली इस RMU के जरिए काटी जा सकती है। वहीं शानू पठान ने यह भी बताया कि 2 RMU अभी चालू किए गए हैं। कुल 20 RMU मुमरा कौसा के इलाकों में अलग अलग जगहों पर लगाए जाएंगे। मुमरा कौसा के बिजली के केबल सभी अंडरग्राउंड किए जाएंगे, ये काम जल्द ही पूरा किया जाएगा। उद्घाटन के बाद शानू पठान ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। 3 साल पहले 22 करोड़ का टेंडर महानगर पालिका विद्युत डिपार्टमेंट के द्वारा MSDCL को मदद करने के लिए अंडरग्राउंड केबल जो करना था उसके लिए किया गया था, जिसका काम कोविड के कारण काफ़ी हद तक रुक गया था। लेकिन अब जो पूरा मुख्य रोड को बड़ा करना है, कॉन्क्रीट करना है और जितने भी ऊपर के जो पोल है वो तो केबल डाल के अंडरग्राउंड करना है, उसके लिए आज इसका उद्घाटन कर दिया गया है। अब कहीं भी तरीके की मुमरा कौसा के अंदर लाइट जाएगी, जैसे कि अगर अभी अलमास की लाइट जाएगी, एक घास वाले का बटन बंद करेंगे तो सिर्फ अलमास की जाएगी, पूरा ये फीडर नहीं जाएगा। और कल से जो ऊपर के पोल दिख रहे आपको, ये सारे पोलों को अंडरग्राउंड करने का काम शुरू कर दिया है। इस तरह के RMU जो है मुमरा कौसा में कितने लगाए जाएंगे? 20 लगाए जाएंगे पूरे मुमरा कौसा के अंदर, ऐसे 20 लगाए जाएंगे। यार अभी कितने लग चुके हैं? ये पहला ही है। दो अभी स्टार्ट किए और अभी तक लगाए 6, लेकिन स्टार्ट ये दूसरा है। बाकी जब पूरा लगने का काम तब तक पूरा कंप्लीट? मैं बारिश से पहले, हम लोग की ऐसी तैयारी कि बारिश से पहले पूरे के पूरे शुरू हो जाना चाहिए, ताकि मुमरा कौसा का जो अंडर जो ऊपर के पोल है जो वायर ऊपर से गए वो अंडरग्राउंड हो जाए। और जैसे माननीय गृह मंत्री डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब ने सोचा था कि सभी नगर सभा के साथ मिलके मुख्य रोड बड़ा कर दिया जाए और जो MSDCL की जो लाइटें थी वो अंडरग्राउंड कर दिया जाए, उसके लिए काफ़ी हद तक राहत मिल जाएगी और आने वाले बारिश तक ये सारे जो कोल्ड लिक की लाइटें हैं वो अंडरग्राउंड हो जाएंगे। ये सिर्फ रोड पर ही चालू होने वाले बोर्ड लगने वाले जो काम है, ये सिर्फ रोड के लिए या गली में भी जहाँ पर पोल लगे वहाँ के लिए? ये मुख्य रोड का है, ये मुख्य रोड को MSDCL को मदद करने के लिए ठाणे महानगर पालिका के विद्युत विभाग से फंड दिया गया था, ताकि अंडरग्राउंड के एक पोल हो जाए और रोड बड़ा हो जाए। अभी ये जितने भी रोड पोल दिख रहे ये अंडरग्राउंड होने के बाद रोड बड़ा हो जाएगा और काफ़ी हद तक दिक्कत खत्म हो जाएगी।